Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Beta, today we have the continuity of our chapter 3rd of geography. Or beta, today we will discuss the effect of the earth revolution. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि earth revolutions के क्या क्या effect है. Okay, let's start. Effect of the earth revolution. हमने last video में revolution के बारे में पढ़ा था ना कि revolutions किसे कहते हैं, कि आपकी जो revolutions means होता है जब हमारी जो earth revolves करती है around the sun, that is called the revolution. वो क्या कहा जाता है? Revolution कहा जाता है. और बेटा इसके जो main जो effect होते हैं वो क्या क्या होते हैं? Occurrence of the seasons, यानी कि जो हमारे seasonal जो changes होता है वो किसके कारण होता है? It happens due to the earth revolution. किसके कारण होता है? Due to the earth revolutions के कारण होता है. और बेटा आपको पता है कि हमारी जो earth की ऊपर है आपका found the आपका variation into the length of the day and night की उसमें length के अंदर है variation पाई जाती है. और these are the major effect होते हैं earth revolutions के. और इन्हीं दोनों के कारण ही हमारी जो seasonal जो changes है are occur on the earth surface. Occurrence of the seasons, कि हमारी जो seasons है कैसे आपके occurrence होते हैं, कैसे आपके develop होते हैं, कैसे आपके जो है बनते हैं. बेटा आपको पता है कि आपके the revolution of the earth के जो हमारी जो earth की revolutions के कारण है it happen, हमारा ये है earth तो आपको seasonal है जो changes है are taken आपके लिए जाते हैं, यानी कि जो हमारे seasonal changes है occur due to the effect of the revolution of the earth. किसके कारण होते हैं? हमारे अर्थ की रिवॉल्यूशंस के कारण होते हैं. और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का टुगेदर विद द इंक्लाइंड एक्सिस, और ये कैसे कैसे होता है? जब हमारी आपको पता है कि हमारी अर्थ है कैसी है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है ऑन इट्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि आपका ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण एंड द इट्स इंक्लिनेशंस ऑन इट्स एक्सिस, इसके जो एक्सिस के झुकाव के ऊपर ही इसी दोनों आपके रीजन्स के कारण है हमारे जो सीजनल है चेंजेज है आर टेकन आपके लिए जाते हैं. और बेटा जो रिवॉल्यूशन ऑन द अर्थ का विद द इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस के साथ ही ये दोनों ही चीज़ें डिटरमाइंस करती है जो प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ सरफेस के ऊपर, कि आपकी जो सोलर एनर्जी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द आपका इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस के ऊपर और इसके रिवॉल्यूशन के ऊपर ही आपका डिपेंड रहता है. और जिसके कारण आपका चेंजेज आपके पाए जाते हैं इन द सीजन्स ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर. और बेटा यूजुअली वी हैव द फोर सीजन, हमारे उसमें कितने सीजन्स होते हैं? चार सीजन रखते हैं. डेट आर द आपका स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड द विंटर सीजन्स. और बेटा आपको पता है कि जो सीजनल आपका जो चेंजेज है वो क्यों होता है? ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, जब हमारी अर्थ की जो पोजिशन है चेंज होती रहती है अराउंड द सन, आपका सन के चारों तरफ जब वो रिवॉल्व करती हैं तो इसी के कारण ही हमारे जो सीजनल है चेंजेज आपके पाए जाते हैं. और बेटा दीज सीजन्स आर मार्क्ड, किसके द्वारा मार्क्ड किए जाते हैं? बाय द सोलस्टिक्स एंड द इक्विनेक्स के द्वारा. और सोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सोलिस्टिक्स रेफर्स टू द टाइम, उस समय को रेफर करता है व्हेन द मिड डे, जब हमारे मिड डे के अंदर जो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि सीधा ही दोपहर के समय है जो हमारा सूरज है बिल्कुल ओवरहेड के ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर आपका साइन करता है. डैट इज द एट वन ऑफ द ट्रॉपिक्स, किसी एक ट्रॉपिक्स के ऊपर. ट्रॉपिक्स का मतलब होता है डैट इज द आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. और बेटा ऑन द 21st जून के उस पे डे के उसमें द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, किस समय किसके ऊपर आपका डायरेक्टली साइन होता है? इट साइंस ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कहाँ पर आपका साइन होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. और दैट टाइम इज आपको कंसिडर्ड एट द समर सोलस्टिक, उस टाइम को क्या कहा जाता है? समर सोलस्टिक कहा जाता है. जबकि बेटा ऑन द दिसंबर 22 को द सन साइंस डायरेक्टली कहाँ पर आपका चमकता है? ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर. और दिस इज नोन एज द विंटर सोलस्टिक, इसको क्या कहा जाता है? विंटर सोलस्टिक कहा जाता है. नाउ समर सोलस्टिक,
अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, यानी कि वो कंडीशंस के बारे में डेट आर आपका प्रीवेलिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ड्यूरिंग द समर सोलस्टिक के टाइम के अंदर। और आपको पता है बेटा समर सोलस्टिक कब आपका ऑकर होता है, 21 जून को। और बेटा ड्यूरिंग द समर सोलस्टिक में उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इज इंक्लाइंड, यानी कि वो थोड़ा सा झुका होता है टूवर्ड द सन, आपके सन की तरफ। एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर स्टे अवे, वो दूर हो जाता है फ्रॉम द सन से, और जिसके कारण है जो सन की जो रे है फॉल वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली पड़ती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, सीधी आपकी डायरेक्ट आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जबकि आपकी दे फॉल स्लैंटिंग, वो थोड़ी सी आपकी स्लैंटिंग कंडीशंस के अंदर पाई जाती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, यानी कि आपकी थोड़ी सी झुकी हुई जाती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, दैट इज द लैटिट्यूड्स के ऊपर। और बेटा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इट रिसीव द मोर लाइट एंड हीट, वो ज़्यादा आपकी लाइट और हीट रिसीव करता है फ्रॉम द सन से एज कंपेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन के उसमें, यानी कि क्योंकि यहाँ पर आपकी डायरेक्ट है सन, आपकी जो है रे है आपकी फॉल होती है, जिसके कारण इट रिसीव द मोर लाइट एंड हीट आपको रिसीव करता है। और बेटा इसके कारण इट इज़ द समर आपका पाया जाता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंड द विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और बेटा जो एरिया होता है नियर द पोल्स के पास जो होता है इट रिसीव द लेस हीट, वो आपकी थोड़ी सी आपकी लेस हीट आपका रिसीव करता है, क्यों करता है, बिकॉज द रेज ऑफ द सन की आर स्लैंटिंग, अब थोड़ी सी आपकी इंक्लाइंड होती है, आपकी तिरछी वहाँ पर पहुँचती है। और बेटा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के उसमें डेज आर लॉन्गर, जो हमारे दिन की जो लेंथ होती है वो आपकी लॉन्गर होती है देन द नाइट से, आपकी जो रातों से, वाइल इट इज़ आपका अपोजिट पाई जाती है इन द आपका साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और बेटा 21 जून को ही इज द लॉन्गेस्ट डे होता है एंड द शॉर्टेस्ट नाइट आपकी पाई जाती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जबकि आपका शॉर्टेस्ट आपका जो डे आपको होता है एंड द लॉन्गेस्ट नाइट रहती है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और बेटा ड्यूरिंग द समर सोलस्टिक के आपके दौरान है जो नॉर्थ पोल है इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन की तरफ, आपका थोड़ा सा झुका हुआ होता है, सो इट रिसीव द सनलाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, वहाँ पर आपका 6 मंथ के लिए आपकी सनलाइट है आपकी रिसीव की जाती है। और जबकि हमारा जो साउथ पोल है रिमेन्स इन डार्कनेस, वो किस में रहता है, डार्कनेस में रहता है फॉर अबाउट द 6 मंथ के लिए। नाउ विंटर सोलस्टिक्स, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ऑन कंडीशंस के बारे में डेट आर प्रीवेलिंग इन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग द विंटर सोलस्टिक के दौरान। और बेटा एट दिस टाइम, इस समय पर जो हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इज इंक्लाइंड, वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है टूवर्ड द सन, आपके सन की तरफ, और इसीलिए हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो स्टे अवे आपका दूर हो जाता है फ्रॉम द सन से, और इसी के लिए भी इसी कारण बेटा हमारी जो सन रेज है फॉल वर्टिकली, बिल्कुल डायरेक्ट कहाँ पर आपकी फॉल करेंगे, कहाँ पर गिरेंगे, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और आपका स्लैंटिंग आपका पोजीशंस के अंदर पाई जाती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और बेटा आपकी जो सन रेज है फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आपकी सीधी डायरेक्टली आपकी फॉल होती है, तो इसी कारण है एक लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर का गेट आपकी जो लाइट है रिसीव करता है। और बेटा इट इज़ द समर होता है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जहाँ पर आपकी डेज आर लॉन्गर होते हैं एंड द शॉर्टर आपकी नाइट है पाई जाती है, जबकि एट दैट टाइम इस समय पर विंटर इज एक्सपीरियंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कैसा आपका जो सीजन से ओकर होता है विंटर पाया जाता है। और बेटा 22 दिसंबर को हमारा जो लॉन्गेस्ट डे होता है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और जबकि आपका शॉर्टर डे आपका ओकर होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और बेटा ड्यूरिंग द विंटर सोलस्टिक के दौरान नॉर्थ पोल रिमेंस इन द डार्कनेस, इसमें क्या रहता है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो आपका डार्कनेस के अंदर पाया जाता है फॉर अबाउट द 6 मंथ के लिए, जबकि हमारा जो साउथ पोल है रिसीव द सनलाइट फॉर अबाउट द 6 मंथ के लिए, हमारी है
सिक्स मंथ के लिए जो है सनलाइट रिसीव करता है। और इसी कारण बेटा ड्यूरिंग दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है टुवर्ड द सन की तरफ, और आपका इट रिसीव द सनलाइट थ्रू आउट दिस पीरियड। क्योंकि जो विंटर सोलस्टिक की आपके टाइम पीरियड के दौरान ही हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है रिसीव द सनलाइट, आपका जो सनलाइट है रिसीव करता है। और बेटा हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है रिसीव्स मोर हीट, आपकी ज़्यादा आपकी हीट एंड लाइट रिसीव करता है फ्रॉम द सन से एज कंपैरिजन टू द नॉर्थ, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन के उसमें। और बेटा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली आर द कंट्रीज, वे वो कंट्रीज है डैट सेलिब्रेट द क्रिसमस इन द समर सीजन्स के अंदर है, जो क्रिसमस आपका सेलिब्रेशन है करते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, और वो पॉइंट हमारा कौन सा है, दैट इज़ अबाउट द इक्विनेक्स। वो किसके बारे में है, इक्विनेक्स के बारे में। और बेटा इक्विनेक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए लैटिन वर्ड, हमारे जो लैटिन वर्ड की भाषा का शब्द है विच मीन्स इक्वल नाइट्स, जिसका मतलब क्या होता है इक्वल नाइट्स। यानी कि इक्विनेक्स कैन बी टर्म्ड एज द टाइम, उस समय को कहते हैं जहाँ पर डे एंड नाइट आर इक्वल, हमारी डे की और जो नाइट की जो ड्यूरेशन होती है लेंथ होती है रिमेन इक्वल, आपकी समान पाई जाती है। और बेटा इक्विनेक्स ऑकर ट्विस इन ए ईयर, साल में दो बार आपका पाया जाता है, मार्च 21 को और सितंबर 23 आर कंसिडर्ड एज द स्प्रिंग इक्विनेक्स एंड द ऑटम आपका इक्विनेक्स आपके जो है कहे जाते हैं। एंड नाउ बेटा स्प्रिंग्स एंड द ऑटोमनल इक्विनेक्स, और आपको बताता है हमारा जो स्प्रिंग इक्विनेक्स है इट ऑकर ऑन द 21 मार्च को ऑकर होता है, जबकि आपका 23 आपके सेप्टेम्बर को इट इज़ आपका कंसिडर्ड एज आपका ऑटोमनल इक्विनेक्स है कंसिडर्ड किया जाता है। और बेटा 21 मार्च एंड द 23 सेप्टेम्बर द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, यहाँ पर जो हमारी सन की रेज है कहाँ पर डायरेक्टली फॉल होती है, ऑन द इक्वेटर के ऊपर, और एट आपका दिस पोजिशंस के ऊपर नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड, कोई सा भी जो हमारा पोल्स है आपका टिल्टेड नहीं रहता है, झुका हुआ नहीं होता है टुवर्ड द सन की तरफ, यानी कि हमारा जो नॉर्थ पोल है जो साउथ पोल है वो आपका है सन की तरफ है, झुके हुए नहीं होते हैं। इस वास्ते जो होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट आपका रखती है। और बेटा ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द ऑटोमनल आपका इक्विनेक्स के दौरान है टेम्परेचर रिमेंस मिल्ड, हमारा जो टेम्परेचर है मिल्ड आपका जो है पाया जाता है, और ऑन द 21 मार्च को है जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एक्सपीरियंस द स्प्रिंग इक्विनेक्स, हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कौन सा आपका जो इक्विनेक्स है आपका एक्सपीरियंस होता है ऊपर होता है स्प्रिंग इक्विनेक्स का, और आपका साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द आपका ऑटोमनल इक्विनेक्स रखता है। और बेटा जब कंडीशन एज आपका रिवाइज्ड वो अलग पाई जाती है ऑन द सेप्टेम्बर 23 के आपके सेप्टेम्बर की तरफ, और यानी कि आपका इट इज द ऑटोमनल सीजन होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के पोर्शंस के पार्ट के अंदर। नाउ बेटा वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट, अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी जो डे और नाइट की आपकी लेंथ के अंदर है वेरिएशन है क्यों पाई जाती है। और बेटा आपको पता है कि आप हमारी जो अर्थ है इज इंक्लाइंड, वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है, इस वास्ते जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है रिमेंस टिल्टेड, आपको झुका हुआ होता है टुवर्ड द सन की तरफ फॉर द हाफ ऑफ द ईयर, पूरा हाफ जो ईयर है वो आपको झुका हुआ होता है, जबकि हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो भी आपको झुका हुआ होता है टुवर्ड द सन की तरफ ड्यूरिंग द अनोदर हाफ ईयर्स के लिए, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा। और बेटा व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज आपका इंक्लाइंड होता है टुवर्ड द सन की तरफ, जो नॉर्थ पोल है आपका रिसीव करता है पर 24 आपका जो है सनलाइट है आपका रिसीव की आपका करता है फ्रॉम द सन से फॉर सिक्स मंथ के लिए, यानी कि बेटा हमारा जो नॉर्थ पोल है रिसीव द डे लाइट फॉर द 24 आवर्स के लिए, सिक्स मंथ है हमारी जो है डे लाइट रिसीव करता है, जबकि जो हमारी जो कंडीशंस है आर रिवर्स्ड यानी कि अपोजिट रहती है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और बेटा द टाइम ऑफ द डे आपका जो डे का जो टाइम होता है वो लॉन्गर होता है, नाइट आर द शॉर्टर होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जबकि हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है फेसिंग
इज़ द सन, यानी कि जब हमारा सन है आपका डायरेक्टली आपका असाइन करता है आपका इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के उसमें उस मैप पर जो हमारा साउथ पोल है उधर आपका डे लाइट रखता है फॉर द 24 आवर्स के लिए, और उस मैप पर डेज आर द लॉन्गर होते हैं, नाइट्स आर द शॉर्टर होते हैं इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ पोल्स यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर के उसमें। और बेटा जो हमारी लेंथ ऑफ द डे की और नाइट की है आर फाउंड द इक्वल, वो आपकी इक्वल रहती है एट द इक्वेटर के ऊपर थ्रू आउट द ईयर पूरे साल के दौरान। क्यों क्यों रहती है? बिकॉज हमारी जो इक्वेटर है रिसीव द इक्वल अकाउंट, जो हमारी जो इक्वेटर है इट रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ द सन रेज का आपका रिसीव करती है इन द बोथ कंडीशंस के अंदर। नाउ बेटा दिस चैप्टर इज कंप्लीट।